नाम के साथ में सर? राजेश शर्मा, माय नेम इज राजेश शर्मा, मैं कंपोजर हूँ ये फिल्म का, तुमसे मिलकर फिल्म का नाम है, और सोनी जी डायरेक्टर हैं, दिनेश सोनी। और इस फिल्म का सेकंड सॉन्ग आज रिकॉर्ड हुआ, एनजी स्टूडियो में है हम लोग अभी, और यासिर देसाई ने गाया है, अतुल ने लिखा है ये गाना, और रणधीर सिंह जी का भी इसमें लिरिक्स है एडिशनल। तो इसमें हमारे छह बड़े बड़े सिंगर हैं, नेहा कक्कड़ है, मीका सिंह है, यासिर देसाई और पलक मुच्छल, अरिजीत सिंह और कुणाल सचदेवा। कुणाल सचदेवा का और पलक मुच्छल का रिकॉर्ड हो चुका है गाना, और यासिर देसाई का आज हो गया, अरिजीत का इसके बाद है, फिर मीका और नेहा का है, फिर ऐसे ऐसे और भी दो गाने रिकॉर्ड होंगे। टोटल छः सॉन्ग हैं ये फिल्म में, और म्यूजिकल रोमांटिक मूवी है। और बाकी फिल्म के बारे में सर बताएंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ या फिर? जी जी, माय नेम इज दिनेश सोनी, मैं डायरेक्टर एंड डीओपी इस फिल्म को पिच कर रहा हूँ, एंड अभी गाने की म्यूजिक से ही स्टार्टिंग किया है मैंने, और टाइटल है फिल्म का तुमसे मिलकर। एंड म्यूजिकल जर्नी है ये, एक स्मॉल टाउन और इस तरह का नॉर्थ कल्चर से रिलेटेड है, एंड आज की यूथ जिस तरह से प्यार को, उनकी जो नज़रिया है किस तरह से प्यार को लोग फॉलो कर रहे हैं, लव को, इश्क को, जो भी मतलब उनकी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमने ये कोशिश किया है कि प्यार में अक्सर लोग प्यार को पाना चाहते हैं, बट हमने ये कोशिश किया है, हमारी यूएसपी ये है कि प्यार में हमने बहुत बलिदान दिखाया है, इसमें त्याग दिखाया है कि एक दूसरे के लिए किस तरह से त्याग करते हैं और क्या जर्नी पूरी उसकी, और म्यूज़िकल जर्नी है बेसिकली, एंड कोशिश किया है कि कुछ डिफरेंट ऐसा हो कि ऑडियंस को अच्छा लगे, एक्सेप्ट करें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और राजेश शर्मा जी हमारे कंपोज़र, बहुत ही कमाल का म्यूज़िक इनका, बहुत ही बेहतरीन। मैं बहुत, जब 50 से 100 डेमो सुनने के बाद एक गाना मैं फाइनल करता हूँ, एंड जब तक मुझे 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक मैं फाइनल मतलब उस स्टेज पे नहीं पहुँचता। और पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर, कुछ डिफरेंट, किसी से ऐसा ना लगे कि कोई कॉपी या किसी से रिलेटेड, म्यूज़िक बिल्कुल ही अलग, लिरिक्स भी, कंपोजिंग भी, सारी चीज़ें। दिनेश जी, मैं बात कर, गाने की बात हो गई है, कलाकार कौन कौन है, आर्टिस्ट है, कुछ फाइनल्स हुए हैं जी? मेरा इसमें देखिए, मैं पिच कर रहा हूँ इनसे विक्रांत मेसी, अभी छपाक मूवी उनकी आ रही है दीपिका के साथ, एंड मेरी उनसे बात हुई है, वो अभी बाहर हैं, वो आ जाएंगे तो मेरी उनसे सिटिंग है, और लीड कर रहे हैं विक्रांत मेसी, बट इसमें सेकंड लीड में एक हमने और भी करेक्टर रखा है हमारी फिल्म में, रंजीत भदौरिया करके हैं, नए लड़के को मैं कर रहा हूँ साथ में, एंड दो हीरो दो हीरोइन की जर्नी दिखा रहा हूँ। बट अभी कियारा आडवाणी से हमारी ऐसा मतलब अभी तक मैंने प्लान किया है, अभी मेरी मीटिंग नहीं हुई है उनसे, बट मैंने सोचा है कि कियारा को या फिर और भी ऑप्शन देख लेंगे जो भी होगा, बट फर्स्ट प्रेफरेंस मैं कियारा आडवाणी को ही दे रहा हूँ, एंड देखते हैं फिर आगे क्या प्लान्स है, कब फ्लोर पे जा रही है, प्लान्स वगैरह है? अब देखिए डिपेंड करेगा, अभी मेरी जैसे ही विक्रांत मेसी से मेरी एक मीटिंग हो जाए, अभी वो बाहर से मेरी बात हुई थी, तो बोले कि मुंबई आके मैं आपसे मिलता हूँ, जैसे उनसे मेरी मीटिंग हो जाए, वो डेट्स जैसा प्रोवाइड करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर तक फ्लोर पे जाने की पूरी कोशिश है। रेकी अभी नहीं हुई है, अभी मैं प्री प्रोडक्शन ही स्टार्ट किया हूँ, बट कुछ सॉन्ग्स मैंने आउट ऑफ इंडिया करूँगा, एंड मॉरिशस एंड साउथ अफ्रीका, एंड और भी अभी देखता हूँ कि क्या बेटर होगा मेरे लिए, एंड कुछ इंडिया के कई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, एंड पंजाब में भी कुछ शूट है, एंड कुछ मुंबई में भी होगा, तो लोकेशंस
काफी है इसमें। सर रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द फिल्म्स मेकर शुड गो टू द जम्मू एंड कश्मीर एंड डू शूट देयर आल्सो, आर यू प्लानिंग टू गो देयर बिकॉज़ इट हेल्प टू मोर इन्वेस्टमेंट देयर इंक्रीजिंग? मैं कोशिश है मेरा, अब देखता हूँ अभी आगे क्या हो सकता है। अभी तो उधर बड़ी दिक्कत है, अगर आगे फ्यूचर में इस तरह से लगेगा हम कम्फर्ट होंगे, अगर हमें वहाँ पे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी कश्मीर में के आसपास जितनी भी ब्यूटीज अच्छे हैं, लद्दाख है, मनाली है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड श्रीनगर है, डल झील, गुलमर्ग, मेरी कोशिश है कि मैं कुछ सॉन्ग्स वहाँ भी करूँगा, एक सॉन्ग तो एटलीस्ट करूँगा ही, मेरी ये प्लानिंग में है। अदरवाइज देखिए जो गाने आपने कहा छः गाने हैं, तो छः गाने सोशल गाने हैं या फिर नहीं? देखिए देखिए गाने तो हमारे ऐसे हैं कि हमने दो रोमांटिक सॉन्ग है एंड एक पार्टी सॉन्ग है जो नेहा कक्कड़ और मिका सिंह का हमने सोचा था, लेकिन मिका सिंह का अगर कुछ इशू आ रहा है तो हो सकता है बादशाह से कराएंगे, एंड अरिजीत सिंह अभी एक गाना रोमांटिक करेंगे, ऑलरेडी दो तो हमारे आज दूसरा गाना सेकंड कंप्लीट हो गया, एंड पलक मुच्छल का एक गाना हमारा कंप्लीट हो चुका है, सॉरी सचदेवा, हाँ, और कुणाल सचदेवा एंड पलक मुच्छल का डुएट सॉन्ग हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज यासर देसाई जी ने बहुत कमाल का सॉन्ग, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, काफ़ी दिल से उन्होंने आउटपुट दिया है, वेरी नाइस। अब मैं चाहूँगा कि ऑडियंस को पसंद आए, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेटर दे सकें, एक डिफरेंट कुछ नई चीज़ दें, ताकि यूथ को हमने टारगेट किया है कि यूथ हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है। एंड मूवी जब किया था उसमें भी मैं डायरेक्टर एंड डीओपी खुद था, एंड मैं बेसिकली माय प्रोफेशन डीओपी रहा, जर्नी काफ़ी लंबा, एंड दोनों पार्ट में खुद करता हूँ, डायरेक्टर एंड डीओपी जी। थैंक यू। आई थिंक द वे इट साउंड्स, ऑफ कोर्स ये बहुत ही आउट एंड आउट बॉलीवुड का रोमांटिक नंबर है जो यूजुअली बॉलीवुड में होते हैं। बहुत खूबसूरत मेलेडी है, लिखा है अतुल मिश्रा जी ने। नहीं आई एम नॉट अतुल मिश्रा, अतुल मिश्रा जी ने लिखा है, कंफर्म कर अतुल मिश्रा, ठीक है। और राजेश भाई का बनाया हुआ गाना है, राजेश भाई से काफ़ी पुरानी रिलेशनशिप है मेरी, गाना गाया था यासर भाई ने म्यूजिक के लिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आई एम होपिंग के लोगों को पसंद आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा पसंद। नहीं ये आज का टाइटल सॉन्ग नहीं था एक्चुअली, आज का रोमांटिक गाना था एक, वो उन्होंने दिया था सिचुएशन के एक सोलो रोमांटिक गाना बनाना है, तो 15-20 स्केच सुना दिए थे, नहीं जमा तो फिर ये उन्होंने लॉक किया दिनेश सर ने, तो फिर यासिर भाई को माइंड में लेके मैंने ट्यून बनाई इसकी, क्योंकि अरिजीत या यासिर, यासिर या अरिजीत, दो ही आजकल माइंड में घूम रहे हैं सबके। थैंक यू सो मच। अरिजीत नहीं अवेलेबल हो तो यासिर को पकड़ लेता हूँ फिर मैं, तो ये गाना बहुत अच्छा गाया यासिर भाई ने, तो वो तो एज यूजुअल दिल से ही गाता है बंदा, और ही इज़ वेरी टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। गाना कब मिला आपको, कितना प्रिपरेशन किया इसके बारे में? गाना काफ़ी टाइम से पड़ा था मेरे पास, एक हफ्ता हो गया तकरीबन, एक हफ्ते से राजेश भाई ने मेरे को गाना भेजा, मैंने सुना दे दिया था थोड़ा सा, सुना था काफ़ी पहले सुन लिया था गाना, मेरे को याद तो हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो गाने का दो बोल सुना था, अभी गाया मैं कोई तरह टूटे, लिरिक्स दे दो प्लीज, आई कीप ऑन फॉरगेटिंग देम, तारा टूटे तो मैं तुम्हें मांग लूं, कोई दुआ लब से निकले तो मैं तेरा नाम लूं, तुम्हें हर सांस पे महसूस करूं, ख्वाहिशें बस इतनी सी ख्वाहिशें, दिल करता साजिशें बेसब्र ख्वाहिशें।
यार वो ना मैंने देखा है मैंने देखा है आई एम श्योर बट इट हैपेंस राइट कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बोलता है भाई नहीं आप ही करो आप ही करो आप ही करो आकांक्षा के साथ मैं सोच रहा हूँ ले लूँ तुमको एक नहीं प्लीज नहीं प्लीज यू लाइक दैट सर आपको अच्छा लगा आपको जब आपने देखा तो क्या अर्जुन बहुत अच्छा लगा इसके लिए तो प्लान कर रहा हूँ वीडियो का यासिर भाई के साथ अब इसके तो बना रहे ना देखो नहीं नहीं मतलब मेरा कोई इरादा नहीं है फिलहाल एटलीस्ट एनीवे मे बी इन द फ्यूचर हु नोस एंड बट अ बिग सेलिब्रिटी लाइक आलिया भट्ट यू कैन सी दैट स्टिल नॉट आई मीन दे विल एक्ट आई कांट एक्ट तो डिफरेंस काफी विजिबल होगा आई मीन मैं दे आल्सो डूइंग सिंगिंग आल्सो दे डू तो उसका बदला तो लेता है ना यासिर भाई दैट्स ग्रेट आई मीन सी आई एम वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ वेयर आई एम मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को एक थाली में सब कुछ चाहिए मैं सब कुछ खा जाऊं आई मीन राइट दे एक्टर्स फॉर अ रीजन बिकॉज़ दे कैन एक्ट आई एम सिंगर फॉर अ रीजन बिकॉज़ आई कैन सिंग अगर कभी ऐसा लगा कि मेरे को एक्टिंग आती है या मैं कैमरे के नजदीक कंफर्टेबल मे बी व्हाई नॉट बट फॉर द मोमेंट आई एम नॉट ओके काफी सारे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज यू नो हाउ द यूजुअल ड्रिल ऑफ सिंगर्स इज बिकॉज वी माइट गेट रिप्लेस्ड ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ रिलीज दैट हैपेंस दैट्स अ रियलिटी सो काफी कुछ 18-20 गाने साल खत्म होने से पहले इंशाल्लाह लेट्स सी फिंगर्स क्रॉस्ड मोस्ट वेलकम थैंक यू आप रजनी सिंह हैं हाय सेकंड लीड इसमें अपनी मूवी में कर रहे हैं और जो भी इनसे आप पूछना चाहें तो फिर आप रजनी जी बताएंगे फिल्म के बारे में क्या कहानी है और क्या कैरेक्टर है आपका सर ने जैसे बताया कि एक लव स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है बाकी ज़्यादा तो मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगा सर व्हाट काइंड ऑफ मूवी दिस यू आर सेइंग दिस लव स्टोरी इट इज अ पैशनेट लव स्टोरी लाइक कबीर सिंह और इट इज अ नॉर्मल लाइफ नो नो इट्स नॉट लाइक कबीर सिंह ये सेक्रीफाइस की कहानी है सर ने जैसा बताया सर थोड़ा आप बताइए किस तरह की कहानी है ये हाउ इट इज अ लाइफ वैसी भी फिल्म लग रही है आपकी कहानी सॉरी एक दूसरे के लिए फिल्म मेरी सेक्रीफाइस के लिए वैसी कुछ कहानी लग रही है आपकी आप जैसे कह रहे हैं नहीं देखिए जर्नी है कॉलेज से स्टार्ट होता है जर्नी एंड हमारा करेक्टर जो लीड सेंटर करेक्टर है ये होता ये है कि पहले स्टार्टिंग में तो हमने ये दिखाया है कि बचपन से ही वो सिंगिंग और म्यूज़िक से ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है देन सिचुएशन ऐसा आता है कि सेकंड जब जर्नी उसकी शुरू होती है कुछ इंसिडेंट होता है इस तरह का तो एक दूसरे से अलग होना पड़ता है उनको बट वो वेट करती है लड़की और इसके सक्सेस के बाद उसे मतलब ऐसा होता है कि मुझे एक्सेप्ट कर लेगा बुला लेगा साथ में रहेंगे बट उसकी लाइफ में कोई और भी आ जाता है ट्रायंगल की तरह है लेकिन उसमें हमने इस तरह से दिखाया है कि लड़की उसके लिए त्याग करती है जब दोबारा वो आती है उसकी लाइफ में तो सेकंड जो रहती है वो उसको सपोर्ट करते हैं उन दोनों को सपोर्ट करती है ऐसा नहीं कि रिवेंज लेती है या उस तरह से फाइट करती है ऐसा नहीं है वो दोनों को सपोर्ट करती है मिलाने में और इस तरह का मतलब जर्नी दिखाया है इसमें हमने तो ये कहानी त्याग करती है वो अपने आप को सेक्रीफाई करती है हाँ सर कहानी कोई रियल लाइफ या रियल सर मैं अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो थोड़ा सा अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों को मैं और चेंज कर रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट को लेके सब्जेक्ट को लेके इसलिए थोड़ा सा मैं अभी उतनी क्लियर नहीं आपके डेब्यू पिक्चर है इसके लिए क्या प्रिपरेशन किया मतलब तैयारी की है और उसके पहले कुछ किया है नहीं किया हाँ अभी नेक्स्ट वीक मेरे दो म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हो रहे हैं बाकी सर बताएंगे क्या सर को ठीक लगा इस फिल्म के लिए तैयारी की हाँ वर्कशॉप कर रहे हैं हाँ वर्कशॉप है और काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं ये विक्रांत मैसी जो लीड कर रहे हैं उनके सिमिलर फ्रेंड होंगे ये उनके मेंशन बिफोर दैट यू आर प्लानिंग टू टेक कायरा अडवाणी व्हाट्स मेक यू टू टेक दैट एक्ट्रेस एनी रीजन बिहाइंड ऑफ दैट और व्हाई यू हैव नॉट टेकन अदर एक्ट्रेस आल्सो वी हैव वेरी नहीं मैंने ऑप्शंस और भी रखा है बट फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दे रहा हूँ कि अब अकॉर्डिंग मतलब मेरा जो सब्जेक्ट कंटेंट है ना उससे बहुत हद तक करेक्टर सही मतलब फिट है उसमें जिस तरह का लुक चाहिए जैसा परफॉर्मेंस वाइज चाहिए जिस तरह की कबीर सिंह जो मूवी आई है तो मैंने किस तरह का डिज़ाइन किया है अपने उसके कि लड़की किस तरह की होनी चाहिए उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी एक्टिविटीज़ एंड अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको क्लियर नहीं कर पाऊँगा मतलब क्योंकि मैं सब्जेक्ट को मतलब फिर से मैंने रहना चाहिए जो लड़की कायरा ने जिस तरह से
नहीं रहना चाहिए इन द सेंस, हाँ वो एक होता है ना, हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं, सोच के रखते हैं कि यार हमारी जो जर्नी है इस मूवी की तो उसमें एक किस तरह की लुक चाहिए, कैसा बॉडी लैंग्वेज हो उसकी, जो भी एक्टिविटीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसा सोचा है अभी. So you also playing a debut with a big star like Kyra. Sir has given us some hint. Are you nervous playing with her? No, it's not like. Or are you are doing a preparation for that? Of course, preparation to करना ही पड़ेगा ना. लेकिन nervousness की कोई बात नहीं है इसमें. Have you seen her performance before that? इससे पहले आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी है? Obviously. तो ऐसा क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा, वो कुछ आप बताना चाहें? कियारा एडवानी जी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं. ब्यूटीफुल तो है ही, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है उनकी. ओके सर, ये जैसे कि आप ये शूट करने जाएंगे तो ये कहाँ कहाँ होगे, थोड़ा सा बात होगी बता दिया मैंने बता दिया कुछ आउट ऑफ. लिरिक्स राइटर, ये गाना अतुल मिश्रा जी ने लिखा है एक्चुअली, उसमें मैंने एडिशनल उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, और शर्मा जी ने इसमें बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, और यासिर सर ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है, बहुत प्यारी आवाज़, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और इसमें सोनी जी भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे लिए डायरेक्ट करने के लिए मूवी करा है, डीओपी भी हुए. थैंक्स. मैं डीसी पांडे, सोनी जी के साथ में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और एक आध मेरे मित्र और हैं वो भी प्रोड्यूस में आएंगे इसमें. बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही रोमांटिक, और एक मैसेज है इसमें बड़ा, बहुत आप लोग देखोगे फ्लोर पे आई है पिक्चर, तो काफ़ी मेहनत करी है हमारे लुरिस, अभी वो मिश्रा जी आए नहीं हो तो उनने भी काफ़ी अच्छे लुरिस दिए इसमें, और दो गाने जो हो चुके हैं इसमें, छः हैं, तो भविष्य में देखो क्या निकल आता है. पांडे जी हैं जो एक्टिंग भी करते हैं, जो कि नेगेटिव रोल वाले हैं, तो हो सकता है कि एक नया आपको विलेन मिले आपको फिल्म इंडस्ट्री. तो सर नेगेटिव रोल करते वक्त मतलब क्या सोचते, मतलब आप मतलब नेगेटिव ही करना होता है? नेगेटिव सोच नहीं है, सोच पॉजिटिव उसमें है नहीं है. कहा जाता है कि जो नेगेटिव रोल करते वो नेगेटिव भी लेके जाते हैं. नहीं ऐसा नेगेटिव लेके जाता है? नहीं नेगेटिव नहीं, ये आपने कहां से देख लिया आपने? ना मेरे कहीं एक्टर सिर्फ उन्होंने बोला कि हम नेगेटिव रोल ज्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि वो रह जाता है नेगेटिविटी. नहीं ऐसा नहीं है कहाँ, मेरे को तो अभी तक नहीं है. कहाँ से उठा लो आप, 16 से उठा के देख लो अभी तक आप, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो गाना है इसे टाइटल क्या है, कुछ एक बीच में कुछ मैसेज आया था कहीं से कुछ, तो सोनी जी की और हमारी चर्चा हुई. एक्चुअली क्या, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ ना, तो चर्चा कुछ हुई ऐसी हमारी, तो बात हुई, तो उन्होंने एक कहीं से उठा के इसको एक टेंगल बनाया लव स्टोरी का. बढ़िया, बहुत बढ़िया मैसेज आएगा इसमें, मतलब पब्लिक के लिए बहुत अच्छा मैसेज आएगा इसमें आप देखो, और रोमांटिक है अच्छा, यंगस्टर ऊपर है, यंगस्टर आजकल यूथ जो पागल हो रहा है ना, ये तो उसमें एक अच्छा सा मैसेज भी है यूथ के लिए. यूथ में ये है कि भटक जाते हैं यूथ, कोई अलग से गतिविधियों भटक जाते हैं, तो उसमें के उनको सजेशन है कि ऊपर अपने फादर्स वगैरह बड़े लोगों की कहते हैं ना कि बड़ों की सीख मानना चाहिए अपन को, तो उस टाइप से एक मैसेज अच्छा उसमें. सर आप जैसे कि आपने कहा आप शोले से काम कर रहे हैं, तो क्या बॉलीवुड में क्या बदलाव हुआ जिससे आपको लगता है सोसाइटी में कुछ उससे नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं नेगेटिव वगैरह कहाँ, ऐसा कुछ नहीं, समय के अनुसार सब चल रहा है, वो तो ऐसा कोई समय, अब टाइमिंग कहाँ शोले था कहाँ टाइमिंग है, सर टाइमिंग के अनुसार सभी चलता है ना. वो ये कंप्यूटर उस समय था क्या अपने पास, उस समय इस समय आपके लोगों पास कितनी बढ़िया, इतनी पब्लिसिटी के लिए कितना बढ़िया चीज़ होगी अपने पास, उस समय ऐसा कुछ विशेष था नहीं, है ना. आप देखिएगा बढ़िया फर्स्ट क्लास. नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है अभी, ऐसा दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, टाइटल सॉन्ग का भी, और यदि यदि ऐसे उसमें कोई जगह मिली और यदि डायरेक्ट हमारे डायरेक्टर साहब ने उसमें यदि एडिशनल कोई और गाना जोड़ने का हुआ तो हो सकता है हम टाइटल सॉन्ग भी उसके लिए हम तैयार करें, ऐसा कुछ. सो थैंक्स. कौशिक, इस फिल्म में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि
दिनेश भाई जी ने मेरे को बोला और हम लोग काफ़ी पुराने दोस्त हैं, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट जब उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहूँगा, तो इसमें एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। और अभी जो गाना रिकॉर्ड हुआ यासिर देसाई ने गाया है, राजेश शर्मा जी ने कंपोज किया है, बेहतरीन गाना, और इतना अच्छा गाना कि अभी तक मतलब उसकी गूंज मेरे कानों से नहीं जा रही है। और फिल्म हर आदमी को अपनी सी कहानी लगेगी, तो बहुत अच्छा कदम है दिनेश भाई की तरफ से, और मेरी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। विकास जी, क्या डिफरेंट, क्या अलग होगा आपका, आपने कहा क्रिएटिव डायरेक्टर हो फिल्म में, फिल्म के क्या कुछ नया कुछ होगा दिखने मिलेगा, क्या मतलब क्या आएगा? नहीं देखिए, टेक्निकली क्योंकि हम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो टेक्निकली भी अलग होगा और स्टोरी वाइज भी, और राइटिंग में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो भी है नयापन ही मिलेगा आपको, डायलॉग्स अच्छे मिलेंगे, अच्छे गीत लिखे गए हैं और रिकॉर्ड भी हुए हैं, गाए गए हैं, पलक मुच्छल जी ने भी गाया एक गाना अभी, और आगे भी अरिजीत सिंह जी एंड ऑल अच्छे अच्छे सिंगर्स सभी गा रहे हैं, तो सब कुछ एक अलग सा कुछ हटके तो होगा, और वो तो फिर सिनेमा में देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सारे पत्ते एक साथ नहीं खोल सकते ना। इन दिनों क्या हो, क्या रहा सर, क्या कर रहे हो? अभी जस्ट मैं आया हूँ, एक फिल्म का एक फर्स्ट शेड्यूल मैं कंप्लीट करके आया हूँ, मेरे होम प्रोडक्शन से ही है थ्री मेंटल, और उसके बाद अभी फिर उसका सेकेंड शेड्यूल 10-5 दिन में लगने वाला है, और अभी एक फिल्म ऑलरेडी 19 जुलाई को रिलीज हुई, लोगों का प्यार मिला उसे, बिग बॉस, और अभी एक और फिल्म आने वाली है गोविंदा जी के साथ, भगवान के लिए छोड़ दो, तो लोगों का प्यार मिल रहा है और आगे चलते जा रहे हैं, भगवान के लिए छोड़ दो। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा इस फिल्म का को प्रोड्यूसर हूँ। इस फिल्म का अभी टेंटेटिव टाइटल तुमसे मिलकर है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, यासिर देसाई जी को लेकर हमने गाना रिकॉर्ड किया है जो काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। हाँ, मेरा नाम तो अमजद खान है। सबके जहन में ये बात आई कि नेगेटिव ही करूँगा कुछ, पर सोनी सर कुछ बोल रहे हैं कॉमेडी के हिसाब से, उन्होंने मेरा पहले काम देखा है, इसके पहले टोटल धमाल और ब्लैंक में भी था मैं, और शॉर्ट फिल्म एक की थी जिसमें करण जौहर को काफ़ी पसंद आई हो, तो सोनी सर ने मेरा काम देखा तो बोले कि हमारी फिल्म में भी एक कैरेक्टर कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। दिनेश सोनी जी एक न्यू कॉन्सेप्ट पे मूवी बना रहे हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया एज अ क्रिटिक आलोचना या उसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जस्ट वी आर द पार्ट ऑफ दिस मूवी फ्रॉम द आउटसाइडर एंड फ्रॉम द पब्लिसिटी एज वेल। तो इसका जो कॉन्सेप्ट और यासिर भाई का आज हम लोगों ने गाना सुना और जिस तरीके से उनके बोल हैं, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये म्यूजिक और ये गाने यूथ को पसंद आएगा, तो ये देखने के लिए भी आए थे और ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि इसका फ्यूचर ट्रेंड कैसा होगा। जी सर, आप क्या? हाय, आई एम मनोज पवार, फ्रेंड्स ऑफ दिनेश सोनी। सोनी जी की एक पहली पिक्चर थी लाइफ में ट्विस्ट है, और यार रियली ट्विस्ट था उस लाइफ उस पिक्चर के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जब उन्होंने बताया कि आज उनका एक गाना लॉन्च हो रहा है, तो हम यहाँ आए सुनने के लिए, और वो गाने के जो बोल हैं वो अभी तक मतलब थोड़ा सा कंपन पैदा कर रहे हैं बॉडी के अंदर, इट्स वाइब्रेटिंग यार, इट्स रियली वाइब्रेटिंग, एंड एज फार एज द स्टोरी गोज, सो थोड़ा सा इधर हट करके हैं, मे बी कि आपकी मेरी और हम सब की ज़िंदगी में शायद ऐसे कई सारे मोड़ आए होंगे जहाँ पे कि हम जाना किसी और रास्ते पे जाते थे और हमें जाना कहीं और पड़ा, शायद किसी और के लिए, तो बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं हम सभी इस स्टोरी को अपनी लाइफ से जोड़ पाएंगे, आपकी उम्र के हो सकता है, आपसे बड़ी उम्र के लोग होंगे और ज़रूर इस चीज़ को लाइक करने वाले हैं। सोनी जी ने कहा कि मेन टारगेट यूथ है, यस यूथ की कहानी है, लेकिन हमारी उम्र में भी यूथ थे जब हम, तो हम उसको अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं कि कहाँ की स्टोरी सोनी जी कहाँ दिखाने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है ये, बहुत अच्छा। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं दिनेश सोनी जी की वजह से यहाँ पर आया हूँ स्टूडियो में, और तुमसे मिलकर ये जो मूवी है बहुत ही अच्छी है और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, और इसकी शूटिंग दिसंबर और नवंबर के आसपास जाएगी फ्लोर पे,
और इसके गाने जो अभी आज शूट हुए हैं और आप लोगों ने देखा भी, अच्छे गाने हैं और पाँच छः गाने भी बताया सर ने कि अच्छे गाने हैं, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। और ये जो मूवी, इसकी कहानी है बहुत रियल है, जैसे तुमसे मिलकर जो मूवी जब देखेंगे ना हम लोग स्टूडियो में, थिएटर में जब आएगी, तो इसकी कहानी कुछ अलग है। जो सर ने बताया कि जैसे कि मूवी देखने के बाद मतलब तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि मतलब प्यार और बलिदान का मतलब इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि मतलब त्याग करते हैं, मतलब प्यार में कितना त्याग करते हैं, कितना बलिदान देते हैं एक दूसरे के लिए। वो आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा कोई कैरेक्टर रोल है अभी, अब वो सर बताएंगे क्या रोल है नहीं है, और बाकी जब शूट होगा तो देखेंगे ही जैसा भी होगा। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ओके सर, थैंक यू।